स्थापनेवर दिल्लीत बैठक सुरू आहे। नरेंद्र मोदींनी ही बैठक बोलावली आहे, दिल्लीत रणनीती ठरते आहे। मला कागद वाचायचंय, त्यामुळे जरा अंतर ठेवा, थोडा पीछे हो जाओ, पेपर पढने को चाहिए। ये आगे मत कीजिए, पेपर पेपर दिखने को, पेपर पढ़ना है भाई, हट जाए, थोड़ा पेपर 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 पढ़ना है। ओके सर, बैठ जा यार, तू बैठ भाई, नीचे बैठो, नीचे बैठ, गर्दन आया भाई, अरे अरे बंदूक कौन नहीं उठा रहे, आराम से थोड़ा पढ़ने का स्पेस दे दो, टाइम थोड़ा कम नीचे कर ले हरमन, बंदूक श्री हेलो हेलो अभी आप हिलो मत, आप मत हिलो, मैं जरा अंतर रखता हूँ, आ जाएगा। मतलब दूसरा विषय है, विधानसभा महाराष्ट्र में प्रोटेम स्पीकर, हंगामी स्पीकर नेम अपॉइंट करने के बारे में हमने, अरे पीछे रखो यार, क्या कर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करने के बारे में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक खत लिखा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस के तरफ से ये खत हम थोड़ी देर के पहले उन्हें भेजा है, मेल पे भी भेजा है, मेल का रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है। उसमें हमने मांग की है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होना चाहिए, इसके लिए कौल और शकदर की जो बुक है उसकी 7th एडिशन में उन्होंने कहा है, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उसमें 7th एडिशन में कहा गया है कि द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा और विधानसभा इज चोजन फॉर अपॉइंटमेंट एज द स्पीकर प्रोटेम। साथ साथ सुभाष कश्यप, उनके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लॉ प्रिविलेजेस एंड प्रेसिडेंट 3rd एडिशन में ऑब्जर्व करते हैं कि द सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज समटाइम्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द हाउस इज अपॉइंटेड स्पीकर प्रोटेम। इसीलिए हमारे तीनों पार्टियों का एक कहना है कि राज्यपाल महोदय प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करने के बारे में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा टर्म विधानसभा में जिन्होंने समय बिताया है, जो 7 बार चुन के आए हैं, जिनकी यह 8वीं टर्म है, वो बाला साहेब थोरात यही प्रोटेम स्पीकर का अधिकार पाते हैं। ये मांग हमने राज्यपाल महोदय से की है। साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्लियर किया है कि प्रोसीडिंग्स शुड कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इज अनइक्विवोकली क्लियर इन दिस रिगार्ड that the pro tem speaker has to be the senior most member of their house. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार की मेजॉरिटी अभी प्रूव नहीं हुई, और इसीलिए pro tem speaker appointment of speaker pro tem in this regard cannot be done by the governor with aid and advice of Shri Devendra Fadanvis. और Mr. Devendra Fadanvis has no constitutional right or authority to advise Your Excellency for appointment of pro tem speaker before providing the majority in the House. ये हमने मांग
राज्यपाल महोदय को कुछ देर के पहले की है और हमें विश्वास है महामहिम राज्यपाल महोदय जो हम कह रहे हैं हमारी मांग के तरफ देखेंगे। और सबसे पुराने बहुत साल से महाराष्ट्र की विधानसभा के कायदे कानून की जिनको अच्छी तरह से वाकिफ है वो ये बाला साहेब थोरात द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, उनको ही प्रोटेम स्पीकर करके अपॉइंटमेंट करे। सर ये कन्वेंशन है, मैंडेट नहीं और कर्नाटक में ये फॉलो नहीं हुआ था। सर दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन एंड नॉट अ मैंडेट। इन कर्नाटक दिस कन्वेंशन वाज नॉट फॉलोड। सीनियर मोस्ट एमएलए वाज नॉट अपॉइंटेड द प्रोटेम स्पीकर। सर क्या उसका उसकी लीगलिटी है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखित स्वरूप से कॉल और शकदर और सुभाष कश्यप इन्होंने जो लिखित स्वरूप में अपने ओपिनियंस और इस देश में अलग अलग विधानसभा और लोकसभा में जो प्रोसीजर अपनाई गई है इसके पहले उसके बारे में जो वक्तव्य किया है लिखा है वो मैंने आपको बताया।